नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में अपराधी हुए बेखौफ, जमीन विवाद में युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। सीएए और एनआरसी के विरोध में जनसभा का हुआ आयोजन, लोगों की उमड़ी भीड़, नए कानून को वापस लेने की मांग। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा ने चलाया जनसंपर्क अभियान, कहा देश के मुसलमानों को भड़का रहा है विपक्ष। पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी, डीएम प्रणब कुमार ने 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने के जारी किए आदेश। और बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, बालू घाट पर छापेमारी कर कई गाड़ियों को किया जब्त। अब समाचार विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अपराधी सरेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। रविवार की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने खरीक थाना क्षेत्र के अंबो के समीप एक युवक को गोली मार दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस की मदद से अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव निवासी दिवाकर यादव के पुत्र मुरारी कुमार के रूप में हुई है। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही खरीक पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खरीक थाना अध्यक्ष ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर गांव के ही अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। तो हम लोग तो जाने की सूचना आया कि वहां गोली जो लगी, एक लड़का का मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो बयान लिया जा रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है। तो क्या लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह है? हाँ, ये बात है। तो बोल रहा है कि गाँव ही के लड़का है। गोली तीन तो लगी है शरीर में। अब ऐसे लोग बोल रहा है कि 5 फायर हुआ है वहाँ पर। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। नए कानून के विरोध में डीयू, जामिया और अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र विश्वविद्यालय से लेकर सड़क तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में भी इसका जमकर विरोध हो रहा है। पिछले दिनों शाहजंगी के ऐतिहासिक मेला मैदान में हजारों की संख्या में लोगों ने सीएए के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। वहीं रविवार को संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले बरपुरा ईदगाह मैदान में काफी संख्या में लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और नागरिकता संशोधन कानून को अखंड भारत के लिए घातक बतलाया। मंच से सभी समुदाय के बुद्धिजीवियों ने सीएए को वापस लेने की मांग की, साथ ही मोदी सरकार के कार्यों की निंदा की। हाथों में बैनर, तख्ती और तिरंगा लिए नौजवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एनआरसी और सीएए को लागू नहीं करने की मांग की। मंच से वार्ड नंबर 33 के पार्षद मोहम्मद मेराज, अधिवक्ता मोहम्मद सारिक मंजूर, समाजसेवी सादिक हसन, बरेपुरा मुस्लिम एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद समीम मलिक, परिधि के उदय, टीएमबीयू के प्रॉक्टर विलक्षण रविदास समेत कई लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। वहीं मौलाना खुर्शीद अनवर, मौलाना अताउर रहमान, बुलंद अख्तर, सरताजुल कादरी, मौलाना नमीम अहमद अशरफी, एमयू के अबू अफान समेत कई धार्मिक गुरु और समाजसेवियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने वाला बतलाया। मौके पर मोहम्मद जमशेद, मिंटू कलाकार, एनुल होदा, बबलू खान सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में, जहां की समारोह के जरिए एनआरसी का खंडन हो रहा है, सीएए लाया गया है जिसमें उसे संविधान के विरुद्ध बताया जा रहा है। वही भाजपा इसका समर्थन कर रही है और भाजपा इसके लिए जनसंपर्क अभियान चला रही है। लगातार देश भर में आज से जनसंपर्क अभियान चला रहा है भाजपा के द्वारा और भाजपा यह बता रही है कि जो कानून है सीएए जो लाया गया है वह देश हित में, वही एक तबका इसे जो है तो राष्ट्रीय हित के खिलाफ मानता है और कहता है कि ये किसी विशेष धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाता है। एनआरसी का देश भर में कड़ा विरोध हुआ है। इसी के साथ आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ है और लोग एनआरसी का खुला विरोध कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ भागलपुर।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ रविवार को भागलपुर के बरेपुरा ईदगाह मैदान में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। काफी संख्या में महिला एवं पुरुष बल के साथ ही साक्षक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु सुबह से ही मुस्तैद दिखे। सभा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुलिस के जवान मुख्य मार्ग समेत सभा स्थल के इर्द गिर्द कड़ी निगरानी रख रहे थे। इसाक्षक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु ने बताया कि नियम कानून को तोड़ने वाले युवाओं पर पुलिस की पैनी नजर है। वहीं सभा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी सादे लिबास में सभा स्थल से पल पल की जानकारी आला अधिकारियों को दे रहे थे। इधर सुरक्षा के मद्देनजर कमेटी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा की ओर से पूरे देश में महासंपर्क अभियान की शुरुआत की गई, जिसको लेकर रविवार को जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक से महासंपर्क अभियान शुरू कर CAA के प्रति जागरूकता फैलाया। रोहित पांडे ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से देश की जनता को कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि पड़ोसी देश में प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यकों को अपने देश में शरण मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तान के ननकाना में गुरुद्वारे पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यक शान से जीते हैं, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। मौके पर नभय कुमार चौधरी, अभय वर्मन, दिलीप निराला, रोशन सिंह समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नागरिकता संशोधन कानून जो देश में लागू हुआ, इसकी जानकारी हमें घर घर घूम के सबको देना है। कुछ विरोधी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये मुसलमान विरोधी है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। ये जो कानून है ये भारतीयों पर लागू होता ही नहीं। भारत में जो भी रहने वाले लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं। बाहर से जो भी प्रताड़ित लोग आए हैं उन पर विचार किया जा रहा है कि उसको नागरिकता भारत की देनी है। इसलिए यहाँ के लोगों को बिल्कुल अस्पष्ट होना चाहिए कि ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं है, उनकी नागरिकता पर जरा भी अप्रोच नहीं आने वाला है। यही बातें हम लोग सबको घूम घूम के बताएंगे। पूरे यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर घर को टच करना है। और ये बातें हम लोग, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब जाके बताएं। मेरा नाम डॉक्टर NK यादव, MLC बिहार। आज CAA के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी संपर्क अभियान कर रही है पूरे देश भर के अंदर, घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर। और CAA क्या है, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि CAA की आवश्यकता किस प्रकार से इस देश के अंदर थी, यह जो बीते परसों जो है वो पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर जो हमला हुआ, और जिस प्रकार से वहाँ के बहुसंख्यक समाज के लोगों ने जिस प्रकार से बोला कि यहाँ के सिखों को हम बाहर कर देंगे और इस गुरुद्वारे का नाम गुलामे मुस्तफ़ा कर देंगे, तो इसके बाद CAA के महत्व के बारे में लोगों को और ध्यान में आता है। और आज इस देश के विपक्षी दल के लोगों को, इस देश की आम जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से CAA के बारे में गलत तथ्य रखा और लोगों को दिग्भ्रमित करके और अराजक स्थिति इस देश के अंदर फैलाने का काम किया। उनको इस देश से माफ़ी मांगना चाहिए और जो CAA जो आज कानून बन गया है इसके समर्थन में उनको भी आना चाहिए। रोहित पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा। पूरे बिहार में शीतलहर का सितम जारी है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करा दिया गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने रविवार को आदेश जारी कर सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय को 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। वहीं स्कूलों में 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों के समय में बदलाव किया है। DM ने कहा कि सीनियर सेक्शन में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कक्षा संचालित की जाएगी। कड़ाके के ठंड में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भागलपुर के जगदीशपुर स्थित सैदपुर बालू घाट पर रविवार की सुबह छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया, जबकि पुलिस को देखते ही बालू माफिया मौके से फरार हो गया। छापेमारी का नेतृत्व थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सैदपुर घाट से अवैध रूप से बालू खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार चलाया जाएगा। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में रविवार को नागरिक विकास समिति की नववर्ष की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष जियाउल रहमान ने की। इस दौरान समिति की ओर से 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई।
सलाहकार रमन करण ने बताया कि समिति की ओर से संगठन का विस्तार किया गया है, साथ ही सामाजिक सद्भावना कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली, पर्यावरण संरक्षण, मेडिकल कैंप एवं महिला परामर्श इकाई को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मार्च माह में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में नरेश शाह, सत्यनारायण प्रसाद, आनंद श्रीवास्तव, रमन शाह, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर संजय निराला समेत समिति के कई सदस्य मौजूद थे। नागरिक विकास समिति की ये मासिक बैठक है और इस वर्ष की पहली बैठक है। चूँकि पिछले दिसंबर माह में हमारा जो एक मुख्य कार्यक्रम होता है भागलपुर महोत्सव, उसकी समीक्षा के लिए भी बैठे हैं और आज की बैठक में हम लोगों को पूरे साल क्या काम करना है उस पर हम अपने सारे सदस्यों के साथ परिचर्चा करेंगे। संगठन संबंधी बात है, कोष की व्यवस्था है, सद्भावना कार्य जो हमारी ओर से होता है, दशहरी पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा के अलावा ईद मिलन, होली मिलन समारोह, तो उसको कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग परिचर्चा आज करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है साल में 2-3, उस पर करेंगे। पर्यावरण, मेडिकल कैंप और फिर महिला कोषांग, ये इन सब बातों पर आज हमको बैठ के जो है पूरे साल का कैलेंडर तैयार करना है और हमारे सारे सदस्य बिल्कुल संकल्पित है कि हमने जो पिछले वर्ष काम किया है इस बार हम लोग और बढ़ चढ़ के काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, शहर के लिए काम करेंगे और शहर के अंदर जो विकास कार्य में जो बाधक हो रहा है हम लोग प्रशासन से मिलकर उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। परिचय से जियाउर रहमान, अध्यक्ष नागरिक विकास समिति। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विद जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर, कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रविवार को रिक्शा चालक, ऑटो ड्राइवर एवं ई रिक्शा चालकों के बीच जैकेट का वितरण किया गया। संडिस कंपाउंड में भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने करीब 1,000 जरूरतमंद लोगों के बीच जैकेट बांटा। वहीं गर्म कपड़े मिलते ही रिक्शा चालक और ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर काफी खुशी देखी गई। राजेश वर्मा ने कहा कि मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठंड को देखते हुए यहाँ पर पहले कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन हमारे भागलपुर शहर के जितने भी रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि कंबल ओढ़कर वो लोग रिक्शा नहीं चला सकते हैं या उनके साथ परेशानी होती है, तो उनके बीच में ये बात रखी गई थी कि हम लोग जो है जैकेट वितरण का आप काम कीजिए ताकि हम लोग को इससे निजात मिल सके। उनकी समस्या को देखते हुए और कड़ाके की ठंड को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया
युवा साथियों के साथ आज यहाँ पर जैकेट वितरण का कार्यक्रम किया गया है। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सभी युवा साथियों का और संघ के ऑटो संघ और टोटो संघ और रिक्शा चालक संघ के अध्यक्षों का जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और हम अपने शहरवासियों के लिए जो कर पाएँ वो मुझे लगता है कि कम, क्योंकि शहरवासियों ने इतनी कम उम्र में इस पायदान तक बिठाया है, तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये शहरवासियों के बीच शहरवासियों के लिए ही है। मैं इसीलिए सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और कड़ाके की ठंड में और भी किन्हीं को आवश्यकता होगी तो मेरा दरवाजा हमेशा सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए खुला है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले 8 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को SFC गोदाम परिसर में PDS डीलरों ने धरना दिया। धरना की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने की। इस दौरान धरना पर बैठे PDS डीलरों ने 30,000 रुपया प्रतिमा मानदेय देने, केरोसिन पर 3 रुपया प्रति लीटर कमीशन देने, साप्ताहिक छुट्टी एवं राज्य कर्मियों की तरह सभी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की है। मौके पर सचिव कपिल देव यादव, मोहम्मद हसमत हुसैन, संजय दास, गौरव कुमार सहित दर्जनों PDS डीलर मौजूद थे। वहीं सनहौला में 8 सूत्री मांगों को लेकर PDS डीलरों ने धरना प्रदर्शन किया। डीलरों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। NRC और CA के खिलाफ रविवार को भागलपुर के बरेपुरा ईदगाह मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान कई समुदाय और धर्म के लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को मोदी सरकार की राजनीति का हिस्सा करार दिया और आजादी की लड़ाई में शहादत देने वाले परिवार के खिलाफ साजिश बताई। मंच से लोगों ने कहा कि जो सरकार देश के 5वें राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद के परिवार से उनके भारतीय होने का सबूत मांगती है तो वह आम जनों से नागरिकता देने के लिए क्या क्या सबूत या दस्तावेज मांगेगी, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। संविधान बचाओ देश बचाओ मंच से लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। और आपके इस जज्बे को देखकर लग रहा है कि आपके अंदर भी वही INA और वही बोझ वाला जज्बा है जो आनंद मोहन साहिब जी के अंदर था। CA, NRC, NPR बहुत चर्चा हो रही है, इसमें देश भर के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि देश के गृह मंत्री जिनके नाम के आगे आदरणीय लगाने में भी शर्म लगता है, वो ये कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी समझिए। तो हम भी आपको स्टार प्लस के सीरियल की तरह रिकैप में ले जाते हैं। जब रिकैप में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब ये CAB था, जब इसकी चर्चा हो रही थी, जब आसाम में NRC लागू हो गई थी, तो इस देश के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि इस देश को बांटने की तैयारी तरीपार कर रहा है। और इसकी जब चर्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई, तो चाय वाले के पेट में दर्द हो गया और इसीलिए चाय वाले ने कहा तरीपार से, ए भैया ए, के तरीपार जिस तरह तुम्हारे ऊपर लठ बजी थी गुजरात में, बच्चों पे भी पढ़वा दो। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियों से अटैक किया गया, वीडियोस आपके सामने आए होंगे। तो मैं खड़ा होकर के अकेले दम पर मर करके यहां से लेकर गोल में सम्मेलन तक मैं कहना चाहता हूं, जो साथी हमारे नौजवान साथी ये नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए, बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, अल्पसंख्यक कमेटी बनी थी वहां अपनी बात रखने के लिए, बाबा साहब ने भारत के सभी नागरिकों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक अधिकार का जो पॉइंट रखा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, उसमें हमारे सिख के ईसाई थे, उसमें मुसलमान प्रतिनिधि थे और अल्पसंख्यक कमेटी के जैसे लोग जो आजादी का सपना देखे थे और भारत को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की थी आजादी के आंदोलन के दरमियान। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जब आजादी के आंदोलन में शामिल हुए थे तो आजादी का आंदोलन
राष्ट्रीय आंदोलन बना, जन आंदोलन बना। जन आंदोलन इसलिए बना कि देश के तमाम समुदाय के लोग, सभी कौम के लोग, महिलाएं आजादी के आंदोलन में शामिल हुई और इसके साथ साथ जो विविधता थी देश की, अलग अलग जो राज्य थे, जो टुकड़ा था, उस टुकड़े को भी आजादी आंदोलन में शामिल करने की कोशिश महात्मा गांधी ने की थी। आज वही जो आजादी आंदोलन का सपना था और ये जो राष्ट्र बनाने का सपना था, जो कि अभी भी भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, उस तरह से राष्ट्र बना नहीं है, फिर से राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश हो रही है। होना चाहिए कि आज हम जिस हिंदुस्तान में खड़े हैं, ये एक आजाद हिंदुस्तान है। इस आजाद हिंदुस्तान में हमारे पास एक बहुत मोहतरम और अकीदत भरा किताब हमें दिया गया, जिसका नाम संविधान है। और इस संविधान को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आप यकीन नहीं कर सकते कि भगत सिंह जैसे नौजवान ने इस हिंदुस्तान की जेलों में वक्त गुजारते हुए इस मुल्क को आजाद करने के लिए फांसी का फंदा चूमा। अबुल कलाम आजाद, नेहरू, गांधी, ये अजीम बड़े बड़े नाम आपने बचपन से सुन रखे होंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने अपने जिंदगी के बेशकीमती 10 और 12 15 सालों तक जेलों की सलाखों के अंदर रहे और अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए इस मुल्क को आजाद कराया। ये मुल्क आजाद क्यों कराया गया था? ये इतनी बड़ी बड़ी अर्जियां वो क्यों उठाए थे? क्या वो उस दौर में नौकरियां नहीं पा रहे थे? क्या वो उस दौर में पढ़े लिखे नहीं थे? क्या वो उस दौर में समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुल्क में मेरा मकाम क्या होगा? क्या वो उस दौर में लोगों की पहचान के मोहताज थे? यकीनन नहीं थे। वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जहां पर हिंदुस्तान के हर फर्द को, हर शहरी को बराबरी मिले, हर आदमी को पढ़ने का मौका मिले, हर आदमी को नौकरियां मिले, हर आदमी को इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए, जिल्लत और रुसवाई और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद मुल्क दिया जाए। इसीलिए उन लोगों ने कुर्बानियां दी। इसी पे करना है भाषण और तकरीर, तो हमेशा हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसी पे आपको ये करना है। आप इसी कड़ी में मैं मजहर हसी साहब को हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वह दिन की जिसकी वादा है, जो लोहे अजल में लिखा 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 है, जब जुल्म और सितम के कोहे दस्त, जो जब जुल्म और सितम के कोहे दस्त, रूई की तरह उड़ जाएंगे, रूई की तरह उड़ जाएंगे। भागलपुर के नाथनगर स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में रविवार को मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन लक्ष्मी प्रसाद डोकानिया, संजय कुमार झा एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। रक्तदान शिविर में CTS के सैकड़ों प्रशिक्षित जवानों ने हिस्सा लेकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर शाखा के अध्यक्ष अश्वनी खटोर ने रक्तदाताओं को रक्तदान से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। वहीं CTS के CDI अमित कुमार ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इस मौके पर इंस्पेक्टर राजकुमार झा, संजय बुधिया, अनिल वाजपेयी, संजय अग्रवाल समेत कई सदस्य मौजूद थे। भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के एक अभी मिशन चला है 365 दिन 365 रक्तदान। इसी के अंतर्गत हमारी नाथनगर शाखा ने आज 5 जनवरी को वीर शहीद सिपाहियों की याद में भागलपुर जिले का पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया। इसमें हमने CTS के प्रशिक्षित सिपाहियों को हमारे साथ जोड़ा ताकि वो जो है देश हित में जो काम करते रहते हैं लगातार, उसको समाज हित में भी हमें कुछ सहयोग देते हुए पीड़ित मानवता की सेवा हेतु रक्तदान करें और हमारे जो भागलपुर जिले के रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों को जो है एक नई जिंदगी के लिए आशा प्रदान करें। रक्तदान जैसे रक्तदाता को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे? रक्तदाता को जागरूक करने के लिए हम निरंतर अभियान चलाते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में कई अभियान चलाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर भी आयोजित करते हैं और
आज का हमारा ये शिविर का उद्देश्य भी यही है। आप देख रहे हैं कि सिपाही प्रशिक्षण महाविद्यालय के कई सिपाही जो बिहार के विभिन्न प्रांतों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो हमारे शिविर में आके रक्तदान कर रहे हैं। तो एक तरह से समझिए कि पूरा बिहार आज हमारे इस रक्तदान शिविर में आके रक्तदान कर रहा है और इसे सफल बना रहा है। क्या लगता है कि रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान हर वयस्क को करना चाहिए। 18 से 60 साल के कोई भी व्यक्ति जिनका वजन 45 किलो से अधिक हो और उनको कोई बीमारी नहीं हो वो रक्तदान कर सकते हैं। और रक्त का कोई विकल्प नहीं है, ये बनाया नहीं जा सकता, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए हमें निरंतर रक्तदान करना चाहिए। हर 3 महीने पर हमें रक्तदान कर रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों को मदद करनी चाहिए। मेरा नाम अश्विनी खटोर है और मैं मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर शाखा का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के समर्थन में रविवार को नाथनगर भाजपा मंडल की ओर से रत्तीपुर बेरिया के श्रीरामपुर गांव में जन जागरूकता को लेकर संगोष्ठी सह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष आशुतोष कुमार आशीष ने किया। इस दौरान आम लोगों को नए कानून के समर्थन में टोल फ्री नंबर 8864288662 पर मिस्ड कॉल करने का आग्रह किया। मौके पर तारकेश्वर झा, संजय मंडल, शंभु यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय मजदहा में रविवार को वर्ग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा समिति मजदहा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ग 1 से लेकर 10वीं के छात्र शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 20 जनवरी को जारी किया जाएगा। वहीं सफल प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। एनआरसी और सीए को लेकर रविवार को भागलपुर स्टेशन चौक के समीप राजद की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने किया। इस दौरान राजद नेताओं ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नए कानून को वापस लेने की मांग की। मौके पर पप्पू यादव समेत दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरा ये कानून के खिलाफ पूरे बिहार की जनता रोड पर है। हर हाल में मोदी सरकार को काला कानून वापस लेना होगा और इन्होंने जो भ्रमित करने का काम किया और जो पूरे महागठबंधन ने नीतीश कुमार को वोट दिया था ये भी आरएसएस में मिल गया। उन्होंने कहा था भाजपा में मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। ये आरएसएस के गोद में बैठा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल इसका पुरजोर विरोध करती है और जब तक काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक बिहार की जनता जग चुकी है। जिस ओर जवानी चलती है इस ओर जवाना चलता है और ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है मोदी सरकार को। फिर से बिहार 20 में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में गरीब गुरबा अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी और मोदी सरकार और नीतीश सरकार को 20 में उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी यादव को बिहार में 20 में मुख्यमंत्री बनाना है। नाथनगर विधानसभा राज्य व्यापी पुतला दहन का कार्यक्रम था प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश जी का। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रत्येक प्रखंड और जिला मुख्यालय में इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल पूरा तरह से एनआरसी सीए और एनपीआर का पूरी तरह से इसका विरोध करने का काम करता है और हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि जो सबों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो यह बता रहा है कि यह जो कानून है वह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल के साथी प्रत्येक पंचायत पंचायत गांव गांव जाकर ये बताने का काम करेंगे कि यह तमाम हिंदुस्तानियों के खिलाफ यह जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों के खिलाफ यह एनआरसी बिल लाया गया है। इसलिए हम लोग इसका पूरा तरह से विरोध करते हैं और इसका तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि मोदी को यहां से हम लोग समेट देने का काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वहीं नवगछिया में एनआरसी और सीएए के विरोध में अर्थी जुलूस निकाली गई। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर का भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। नवगछिया में मोदी जी का प्रधानमंत्री मोदी जी का और नीतीश जी का सब यात्रा निकालकर राष्ट्रीय जनता दल उसका दहन करने का काम किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आज जो एनआरसी और बिरला के संविधान के साथ माननीय प्रधानमंत्री छेड़छाड़ कर रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर लोकनाथ उच्च विद्यालय परिसर में रविवार को पुलिस मित्र महिला कोषांग का 14वां वर्षगांठ मनाया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा जल जीवन हरियाली एवं दहेज प्रथा को लेकर नाटक का मंचन किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष ने महिला कोषांग से जुड़ी महिलाओं के कार्यों की जमकर सराहना की। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवगछिया में अपराधी हुए बेखौफ, जमीन विवाद में युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। सीएए और एनआरसी के विरोध में जनसभा का हुआ आयोजन, लोगों की उमड़ी भीड़, नए कानून को वापस लेने की मांग। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा ने चलाया जनसंपर्क अभियान, कहा देश के मुसलमानों को भड़का रहा है विपक्ष। पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी, डीएम प्रणब कुमार ने 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने के जारी किए आदेश। और बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, बालू घाट पर छापेमारी कर कई गाड़ियों को किया जब्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।